ये है अपार्टमेंट जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। ये है बाहर का व्यू और ये से मुझे दिया गया कमरा। यहाँ पर एक तो लाइट लटकी हुई है, ये इनका अपना सामान है, ये तो कुर्सियाँ हैं, वो एक गलत स्त्री है, ये मेरा बैग वगैरह है, ये कबर्ड है। ये इस कमरे की मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ से बाहर आ जाइए। तो ये छोटी बालकनी और ये भी एक रूम है, मतलब इनकी जो इसकी है वो पता नहीं किधर है। लाइट लाइट आई थिंक फ्यूज़ है जो भी है। ये स्टोर है और स्टोर में भी एक अलमीरा है। ठीक हो गया, यहाँ से बाहर निकले थे। ये एक मिरर है, मिरर के साथ ये वॉशरूम है। ये इनका हीटिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये हर कमरे हर कोने हर कुदरे में लगा हुआ है। यहाँ से बाहर निकले तो ये बाहर का दरवाज़ा है, यहाँ से मिल होते हैं और ये राइट साइड पर ये सब चीज़ें पड़ी हैं। पता नहीं क्या है, मैं भी देखा। चलिए फिर अलमीरा है, मतलब इनका ये है कि इनके अपार्टमेंट्स छोटे हैं लेकिन ये स्मार्ट। यस यस कम। जैसे सस्ता वो सामने लेबनीज फूड है जो कि साथ में बड़ा सा लिखा हुआ है हलाल, जो यहाँ पे हलाल होगा उसका लिखा होगा हलाल। इंडियन पे आप जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपको दाल चावल वगैरह खाना होगा। Now we are going to find a halal food here and I will update you with the food when we are able to find it. Good luck to her. I have ordered this. Let's see what comes. और जहाँ पर ऑर्डर देने के बाद ये आपको दे देते हैं। आई विल गो एंड सेव एट माई प्लेस और वहाँ पर जब ऑर्डर रेडी होगा तो ये बीप करेगा। Now we have final it Istanbul kebab, क्योंकि जो Turkish हैं they are mostly around the world prefer halal. Even कि I had a chance to visit ऑस्ट्रिया तो वहाँ पे कहा जाता था कि जहाँ पे आपको टर्की मिले ना आके बांध के खा लें। सो आई हैड अ प्लान टू ईट दिस लैम्ब एट 28 एंड लेट्स सी व्हाट दे गिव अस। आज मूड है सीख कबाब और रोटी खाने का। ये कहाँ का है, इज दिस दैट सिवागोल, लेट आस्क हिम। हम आपको अपडेट करते हैं साथ साथ। नाउ आई एम गोइंग टू ईट इट एंड एंजॉय इट।
just stay tuned with me for upcoming video. Take care, bye bye.